सो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू दिस चैनल, दिस इज टोटो। और जब जब मैं बोलता रहूंगा ये बोलता रहेगा, यू कैन सी हिम, है ना? अच्छा अच्छा, दैट वाज अ किस दो, ये किस थी। सो एनीवेज आई एम बैक विद अनदर वीडियो, हाउ यू गाइस डूइंग। आजकल हमारे पास रेस्क्यू कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं, स्पेशली दे आर अबाउट द बर्ड्स। बहुत सारे बर्ड्स हैं यू नो, उनका काफ़ी ज़्यादा बोलने दे यार मुझे तो बर्ड्स का जो जो यू नो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्पेशली बहुत सारी ऐसी स्पीशीज सिटी में देखने के लिए मिल रही है जो कि कभी देखी भी नहीं थी यहाँ पर, एंड इट इज़ वेरी गुड, इट्स गोइंग ग्रेट। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ ध्यान से रहिए, वेयर मास्क अगर आप बाहर जाते हैं, वैसे तो बिल्कुल बाहर मत जाइए। सैनिटाइजर को घर में भी बहुत बार यूज़ कीजिए, अच्छा है वो। एंड ड्रिंक वार्म वाटर, गर्म पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। तो आज का वीडियो इज एक्चुअली में अबाउट अ लिविंग बीइंग, अ वेरी क्यूट बीइंग आई वुड से। एक स्क्विरल है जो कि विच वॉज रेस्क्यूड बाय रहीस, वन ऑफ माई यू नो माई टीम मेम्बर। तो ही रेस्क्यूड इट एंड ही हैंडेड ओवर इट टू मी, और अब वी आर जस्ट गोना यू नो ट्रीट हिम, और बहुत अच्छे से हम उसको रखने वाले हैं। तो हम उसको अब ट्रीट करने वाले हैं, उसको खाना पिलाना और वो सब करेंगे जब तक वो इस लायक ना हो जाए कि वो अपने वापस घर में जा सके। तो हेयर वी गो, है ना टोटो? यस, ही इज ऑलवेज यस, सो लेट्स गो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ही इज टिमी, मैंने इसका नाम टिमी रखा है, पता नहीं क्यों, बस मेरे दिमाग में आया और मैंने रख दिया। इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि डिहाइड्रेशन भी इसको था और ये काफ़ी वीक था, एज इन अभी भी है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा ग्लूकोज देंगे जिससे ये हाइड्रेट हो जाएगा, उसके बाद में वी गोना सी कि अगर ये खाना खाता है या नहीं। उसके बाद अगर ये खाना खाता है तो बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। This is just the normal glucose, जो normal glucose आप use कर सकते हैं, and I am gonna use this syringe उसको ये पिलाने के लिए। वो थोड़ा सा aggressive हो सकता है, ये एक normal glucose है, आप glucon D भी use कर सकते हैं, या फिर you can mix sugar and salt, और भी बहुत तरीके से glucose आप बना सकते हैं। पर I would just advise अगर आप rescue करते हैं या फिर करना चाहते हैं तो अपने घर पर थोड़ा सा glucon D रखिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। You know, it'll be easier for you guys. Being an organization, as you guys might know, I have an organization called Fauna Foundation, और हम जानवरों के लिए काम करते हैं। बहुत सारे नेशन वाइड लोग हमारे पास आते हैं, they tell us कि उनके पास गिलहरी का बच्चा मिला है उन्हें, और उनको नहीं पता है कैसे ध्यान रखना है। तो वी हेल्प देम, और हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं जहाँ तक हमसे हो सकता है। वी एडवाइस देम हाउ टू टेक केयर ऑफ देम, और ताकि वो उनको पेड़ों पर वापस छोड़ सकें, क्योंकि स्क्विरल्स एक पेट नहीं हो सकते, वो कुछ टाइम बाद जाकर जंगली हो ही जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी स्क्विरल का बच्चा मिलता है तो आप कोशिश मत कीजिए उसको पेट बनाने की, बस उसको आप बड़ा कीजिए, उसको तैयार कीजिए और उसको वापस पेड़ों पर छोड़ दीजिए। दैट इज़ अ थिंग। राइट नाउ वी हैव अराउंड 70 केसेस, उसमें से बहुत सारे केसेस में रिलीज भी हो गए हैं, सक्सेसफुली रिलीज हो गए हैं स्क्विरल। सो जस्ट डोंट थिंक ऑफ हैविंग एनी रेस्क्यू एज अ पेट। अगर आप किसी जंगली जानवर को रेस्क्यू करते हैं तो प्लीज़ डोंट मेक देम एज अ पेट और एनी पेट। दिस गाय, दिस स्मॉल टिमी, ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो मैंने इसको एक क्लोज्ड बॉक्स में रख दिया ताकि इसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना फील हो, ताकि इसको मैं ना दिखूँ, ताकि ये फ्रीक आउट ना हो। और मैंने काफ़ी सारे फ्रूट्स वगैरह रखे खाने के लिए जिस जो इसने सक्सेसफुली खाने लगा। ये आई जस्ट थैंक गॉड फॉर दिस। सो आई जस्ट केम एंड ही वॉज नॉट इन द बॉक्स, और जब मैं रूम में आया और वहाँ पे आप देख सकते हैं ही हैज़ देयर इनसाइड, यू कैन सी हिज फेस, और उसकी हरकतों से पता लग रहा है ही इज़ फीलिंग अ लिटिल बेटर। और ये मेरा स्टोर रूम टाइप जगह, और आई हैव सेट अप अ थिंग, यहाँ पर एक बॉक्स रखा है और आई एम गोना डिस्टर्ब हिम उसे यहाँ से पूरा गंदा हुआ है, और ताकि वो भाग कर वहाँ पर उस बॉक्स में चला जाए।
Let's see how it goes. Finally got this guy. डेढ़ घंटे के बाद आई वॉज जस्ट यू नो डूइंग स्टफ मैन. ये मेरे स्टोर रूम की साइड जिधर स्टोर बहुत सारा रखा था वहाँ पर घुस गया. एंड फाइनली ही लुक्स ऑल गुड नाउ आई थिंक सो. जिस तरीके से भाग रहा है ही इज ऑल गुड टू गो. तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू रिलीज हिम. यस लेट्स जस्ट गो एंड रिलीज हिम. So, when you take any wild animal, तो सबसे अच्छा है कि आप उसको अच्छे से कवर करके यू नो यू कवर हिम अप ताकि उसको थोड़ा अच्छा फील हो. ये थी ऐसा कटाल है जिसमें इसको मैंने कवर किया हुआ है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू द पार्क. वहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है स्क्विरल्स की. एंड दिस लुक्स to be the perfect home for this. So main ab isko yahin par chhodunga. And please don't use any cage like this agar aap kuch bhi rescue karte hain, kyunki you know ye cage bahut chhota hai aur thoda sa ganda bhi hai. So please don't use any of these cages. And let's see agar ye bahar jata hai to. Okay, aur ye nahi jayega to we'll have to open this. जाओ बेटा. So finally done. So please don't actually use these kind of cages. जब भी you know बात आती है आप कोई भी rescue करते हैं, कोई भी bird होता है या फिर कुछ भी होता है, just don't use these type of cages. इनके अलावा it's good. और हमेशा बाहर निकलिए तो wear a mask जैसे मैंने पहना है. अभी थोड़ा सा यू नो ये वाला थोड़ा सा जो रिहैबिलिटेशन था वो थोड़ा सा अजीब हो गया था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स ऑल गुड. इट्स ब्यूटीफुल दो. लॉकडाउन ने नेचर को बहुत इम्प्रूव किया है. सो यस वी आर जस्ट गोना गो बैक एंड वी आर मूविंग.